بسم الله الرحمن الرحيم. International Islamic Research Center. मस्जिद आयशा जाना और वहाँ से एहराम बांध के आना और उमरा करना, इसकी शरीयत क्या है? क्या इस तरह बार बार एहराम बांध कर उमरा किया जा सकता है? अगर शरीयत हमें सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेनी है तो फिर ज़ाहिर है कि पहले ये देखें कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया है। आज हम पाकिस्तान से आए, बहुत ख़र्चा किया, काफ़ी वक्त लगा आने जाने में, महीना रहे, 20 दिन रहे और पैसे भी काफ़ी लग गए, लेकिन तसव्वुर में लाइए उस ज़माने को जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमरा किया। उस वक़्त मदीना मनवरा से मक्का आना कितना मशक्क़त का काम था, कितनी मशक्क़त थी उस वक्त। आज पैसे लगते हैं, पैसे लोगों के पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हैं, पैसे दिए, पैकेज लिया, आज तो 5-स्टार पैकेज, लग्जरी पैकेज, गरीबों वाले पैकेज, मिडिल क्लास लोगों वाले पैकेज, आज तो पैकेज 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 हो गई है। उस वक़्त कोई पैकेज नहीं था, उस वक़्त पैदल ही था, सिर्फ एक ही पैकेज था। पैदल आओ, किसी के पास सवारी है तो ऊँट पे बैठ के, घोड़े पे बैठ के आ जाओ, इसके अलावा कोई दूसरा चाराकार नहीं था। उस दौरान भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 मरतबा उमरा किया और 4 मरतबा सिर्फ एक उमरा किया, दूसरा उमरा नहीं किया। देखो इतनी मशक्क़त उठा के बंदा आए, तो चाहिए तो ये था ना कि आप यहाँ रुके थे 2 दिन 4 दिन 10 दिन तो आप लाइन लगा देते उमरों की, तो पता नहीं कब दोबारा आना होगा इतनी दूर से। आपने एक उमरा किया और बस। अब एक उमरा करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बस कर दिया, हम बस नहीं करते क्योंकि हमें एक बस नहीं होता, हमें एक उमरा लगता है कि कुछ भी नहीं किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका, जिनके नाम से आजकल ये मस्जिद है रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनको उज़र था, माहवारी का उज़र था, हैज़ आ गया, वो उमरा नहीं कर पाई। हज के बाद वापस जाने लगे, वो रोने लगी, या रसूलल्लाह सारे लोग हज और उमरा करके जा रहे हैं, मैं सिर्फ हज। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साला मोहतरम हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हुमा, जो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के भाई हैं सगे, उसे कहा कि अपनी बहन को हरम से बाहर ले जाओ, तनईम, जो जगह आज लोगों को याद ही नहीं, मस्जिद आयशा याद रह गई है उस वाक़या की वजह से, तो मस्जिद आयशा की जगह जो है वो है तनईम, हरम से बाहर वो हिल है जहाँ शिकार कर सकते हैं, जो भी हरम की पाबंदियाँ हैं वहाँ ख़त्म हो जाती हैं। फरमाया कि वहाँ ले जाओ और वहाँ से एहराम बंधवा के इसको लाओ और इसको उमरा करा दो। अब ये तो उमरा हुआ एक उज़र के तहत कि उनको उज़र था और वो औरत हैं, यहाँ ना उज़र होता है ना औरत होती हैं, बल्कि मर्द होते हैं वो भी वहीं से उमरा कर रहे हैं, औरतें हैं वो भी वहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक उज़र को ख़त्म करने के लिए, और अहले इल्म ने लिखा है कि उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई सुन्नत समझते हुए, मशरू समझते हुए नहीं, तत्तयीबन लिक़ल्बिहा, हज़रत आयशा के दिल को अच्छा करने के लिए कहा जाके भाई को ले जाओ और तुम उमरा कर लो, ताकि दिल में वो कसक ना रहे कि सारे लोग उमरा आज करके गए और मैं, हालांकि उनका उमरा शामिल था। औरत को अगर ऐसे हालात पेश आ जाएं तो वो ऑटोमेटिक किरान वाली हो जाती है, एक सही काफ़ी है उसके लिए, और उसका हाजिर उमरा दोनों उसमें शामिल हो जाए, लेकिन दिल में रहता कि उमरा अलग से, कहाँ ले जाओ उमरा करा दो। अब अंदाज़ा करें कि ये है इस मस्जिद आयशा से उमरा की शरी हैसियत, एक औरत को एक उज़र के वजह से वहाँ से उमरा कराया गया। अब पता नहीं ये दूसरे लोगों का क्या मामला है, अहले मक्का तो वहाँ से करें क्योंकि अहले मक्का के लिए कहा गया, अपने घर से करें ठीक है, मस्जिद आयशा से हिल से निकलकर हरम के चारों तरफ, मक्का वाले जानते हैं कहाँ कहाँ हरम ख़त्म होता है, कहीं से भी एहराम बांध के वो आ जाएँ, उनका उमरा हो गया, और उनके लिए जायज़ है कि अपने घर से एहराम बांध के उमरे के लिए चले जाएँ, उनका वो भी उमरा हो जाएगा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाहमाया वमन दूना हुन्ना फमिन हैसो अनशा, जो आदमी इन मीकात के अंदर है
वो जहाँ से चले वहीं से अहराम बांध के चले जाए, उसका वही मिकात है। हत्ता अहल मक्का था में मक्का था, यहाँ तक के मक्का वाले मक्का से यानी अपने घर से अहराम बांध सकते हैं। अब अगर तो लेना है सवाब यानी ज़्यादा सवाब चाहिए तो फिर उसके लिए बकसरत तवाफ करना चाहिए। अगर ये सवाब की नीयत है बकसरत तवाफ करें, नमाज़ पढ़ने जाएं, एक दो मरतबा तवाफ कर लें, आराम करें, अगली नमाज़ पढ़ें, फिर कोई एक दो मरतबा तवाफ कर लें, सवाब हो जाएगा बहुत ज़्यादा, लेकिन वो गिनती पूरी नहीं होगी कि मैंने इस मरतबा 15 उमरे किए हैं। ये 15 नहीं बनेगा क्योंकि उमरा एक रहेगा, हमें वो नहीं गवारा। हमारा जो 15-20 का आदत है ना, हमें जब वापस जाके ये ना कोई आदमी लोगों को चूंकि आदत है पूछते हैं हाँ कितने उम्र किए, अब ये सवाल हमें खा जाता है कि चलो अब जो भी है ना यहाँ से कुछ उम्रों की अच्छी बली गठड़ी बांध के लेके जाएंगे। सवाब चाहिए तो तवाफ ज़्यादा करें, और अगर अब लोगों का सवाल पूरा करना है तो फिर ठीक है उम्रे करते रहिए। उलमाए किराम के कुछ लोग ऐसे हैं जो जायज़ करते हैं, कहते हैं नहीं ठीक है ठीक है, हम नहीं कहते नाजायज़ है, नाजायज़ नहीं कहते, लेकिन शरी हैसियत मैंने आपके सामने खोल दिया या नहीं, ये है उम्रे आयशा मस्जिद आयशा से उम्रे की शरी हैसियत। अब करें, और जो कहते हैं गौर गर्दन मुफ्ती की अपनी जायज़ बताएगा क्या बताएगा वो जाने और उनका काम जाने।